हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुष अनुसुईया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 1 अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मोजर के घटक। या फिर कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी फॉर वर्क, एनर्जी फॉर वर्क, ये हमें कहां से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। ठीक है, हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे वर्क होते हैं जब हमें जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला वो हो गया। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भोजन के जो घटक हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो भोजन के काफी सारे घटक हैं जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला जो घटक है वो हो गया कार्बोहाइड्रेट। सेकंड हो गया प्रोटीन। थर्ड हो गया फैट। ठीक है, इन दोनों को हिंदी में और इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसको फैट को बसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा। चौथा हो गया मिनरल्स। खनिज। ठीक है, फिफ्थ हो गया विटामिंस। ठीक है, अगला हो गया वॉटर। ठीक है, रेफिस। जिन्हें खाद्य रेसे बोला जाता है। ठीक है, खाद्य रेसे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है इतने सारे हमारे खाने के घटक होते हैं। अगला अपन इसके कार्य के आधार पर डिवाइडेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया शरीर की वृद्धि वगैरह के लिए, शरीर की वृद्धि विकास के लिए जो एनर्जी हमें देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और थर्ड आ गया फैट। ठीक है, ये क्या एनर्जी देते हैं? ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग के काम आती है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, इसमें हो गया, ठीक है, ये गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी देगा अपने को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। एक सेकंड आता है बॉडी की मरम्मत के लिए। ठीक है, बॉडी रिपेयर। बॉडी रिपेयर की क्या कौन सा आ गए? प्रोटीन आएगा। ठीक है, प्रोटीन आएगा। सेकंड आ गया मिनरल्स एंड थर्ड आ गया वॉटर। ठीक है, बॉडी रिपेयर के लिए प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया एंड वॉटर हो गया। ठीक है, बॉडी सेफ्टी। ठीक है, बॉडी सेफ्टी के लिए, बॉडी की सुरक्षा के लिए, बॉडी सेफ्टी के लिए अगेन प्रोटीन। ठीक है, वॉटर, मिनरल्स एंड
वाइटामिन्स, ठीक है, ये जो हो गए 1, 2, 3 और 4, ये अपन हो गए बॉडी शेप की, बॉडी की सुरक्षा के लिए, ठीक है, बॉडी की सुरक्षा के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन, इसमें सबसे पहला डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी का जो सोर्स है, सबसे पहला जो एनर्जी का सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। हम जो भी काम करते हैं, खेलना कूदना भागना उठना बैठना पढ़ना लिखना, वो सारे जितने काम होते हैं जिसके लिए हम एनर्जी की जरूरत होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें प्रोवाइड। क्या हुआ, आप लिखोगे? अभी मैं क्लास ले लूं फिर लिख लेना आप, ओके? तो जितनी भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट किसके मिलके बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इससे मिलके क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट एक काफी बड़ी यूनिट होती है, सबसे पहले मोनोमर इकाई होती है, ठीक है, मोनोसैकेराइड जिसे बोला जाता है, मोनोसैकेराइड, ठीक है, बाई या डाइसैकेराइड होता है, उसके बाद बाई या डाइसैकेराइड, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आता है ऑलिगोसैकेराइड, एक्चुअली कहते इसमें 2 से लेकर 9 तक यूनिट होती है मोनोमर की, ठीक है, मोनोसैकेराइड की 2 से 9, ये 2 हो गई, ये ओनली 1 हो गई, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ही मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसैकेराइड है, इसका डिवाइडेशन है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे समझाऊं कि पॉलीमर वगैरह क्या होता है, जैसे कि मकान बनाने के लिए एक छोटी सी ईंट की जरूरत होती है, ठीक है, ये छोटी सी ईंट है, जुड़ते जाएंगे तभी तो ये दीवार बनेगी ना, ऐसे कर करके पूरा मकान बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लो, ये जो यूनिट होती है इसकी वो यही होती है, मोनोमर इकाई होती है मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड या बाईसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये मेन रिस्पॉन्सिबल है अपन को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। और अपन को एनर्जी देने के लिए ये क्या करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, याद रखना इस बात को, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। अगर मैं भोजन में पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संक्रमित और एक स्टार्च युक्त, ठीक है, जो खाने में मीठे लगते हैं वो संक्रमित हो गए, जो खाने में मीठे नहीं लगते वो स्टार्च युक्त हो गए, तो ठीक है, ये हो गया संक्रमित, ठीक है, और ये हो गए स्टार्च युक्त। ये दो तरह के, तो जो मीठे होते हैं, मीठे का सेंस गन्ना हो गया, चीनी हो गई, ठीक है, चुकंदर हो गई, ये जो है वो शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। स्टार्च की आलू हो गया, ठीक है, आलू और कई सारे एग्जांपल्स वगैरह इसके, ठीक है, शकरकंदी वगैरह और भी कई सारे। तो एक्चुअली क्या है, जो मीठे हैं, शुगर, शर्करा मतलब शुगर, ठीक है, विद शुगर, ये शुगर, ठीक है, ये ओनली स्टार्च है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है स्टार्च। क्या हो गया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म हो गई स्टार्च। अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल, क्या हुआ, ठीक है, मैं कर दूंगा, हम फूड में पता कैसे करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। करना क्या है, आलू लेना है, आलू, ठीक है, आलू ना एक छोटी सी स्लाइड काटी है, छोटी 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 स्लाइड, एक स्लाइड लिया, इसे टेस्ट ट्यूब में डाला अपन ने, ठीक है, बहुत बड़ी टेस्ट ट्यूब हो गई, ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाला अपन ने, वाटर मिलाया और इसके आलू के पार्टिकल मिलाए, इसे अच्छे से पेस्ट बना लिया, और इसमें क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालने से क्या होगा, ये ब्लू कलर में अगर कन्वर्ट होगा, इट कन्वर्ट्स इन ब्लू कलर, ठीक है, अगर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, अगर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होता है तो इसका मतलब इसमें ब्लू
सॉरी कार्बन डाइट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि दूसरा टेस्ट हो गया अपन ने, इसमें ओनली वाटर ही वाटर है, ठीक है, वाटर ही वाटर है। अगर इसमें अपन ने आयोडीन डाला, ठीक है, आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कैसे रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, स्टार्च अवेलेबल है, तो इट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और इसके भाग देख लेते हैं, ठीक है, तो ये करने का है, इसके वर्क देखें, कार्य देखें तो क्या एनर्जी देता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रोटीन। अगला है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या है, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, दूसरा बॉडी की रिपेयर वगैरह के लिए, ठीक है, कोई टूट फूट वगैरह होती है तो ये बॉडी की रिपेयर करता है, सेल्स की रिपेयर करता है, ठीक है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, बॉडी बिल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मसल निर्माण बॉडी बिल्डिंग के लिए, और ये गिव्स एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। तो ये सारे इसके जो है वर्क है, ठीक है, ये बना किससे होता है, ये बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये इनसे बन के बना होता है, ठीक है, नाइट्रोजन इसका मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, देख CHO ये तो कार्बोहाइड्रेट में पाया जा रहा था, ठीक है, अगर आगे मैं फैट पढ़ाऊंगा आपके लिए, अगर क्या आपका आगे मैं आपके लिए फैट पढ़ाऊंगा उसमें भी यही पाया जाएगा, ठीक है, CHO, ठीक है, एस्टर्स होते हैं ये ग्लिसरीन के, और ये नाइट्रोजन इसमें ही अकेले पाया जा रहा है। अगर मैं थीम डिस्कस कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन ऑनली प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है। और अगर इसका टेस्ट पता करें, टेस्ट कैसे किया जाएगा, हमारे फूड में प्रोटीन अवेलेबल है नहीं, तो करेंगे क्या अपन, फूड पार्टिकल या कोई भी टेस्ट ट्यूब में क्या किया अपन ने, इसमें कोई फूड पार्टिकल डाला, जो भी फूड पार्टिकल अपन ले रहे हैं, ठीक है, दाल वगैरह ले लिया अपन ने, या कोई भी ले लिया, ठीक है, सोयाबीन ले लिया एक्सेट्रा, दूध ले लिया, अंडा ले लिया, मांस ले लिया, ठीक है, अपन ने वो ले लिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट की, ठीक है, COSO4, और इसमें क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा डाला अपन ने, और ये क्या करेंगे, 2-3 बूंद डालेंगे, 2-3 ड्रॉप, और कास्टिक सोडा क्या करेंगे, 10-12 ड्रॉप, ठीक है, अच्छे से लाएंगे तो इसका कलर क्या होगा, बैंगनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बैंगनी कलर में, और अगर ये बैंगनी में कन्वर्ट नहीं होता है तो इसमें प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये प्रोटीन का टेस्ट हो गया। और इनके स्योर्स की बात किया तो स्योर्स में क्या होते हैं, एनिमल स्योर्स होते हैं और इनके प्लांट स्योर्स होते हैं, ठीक है, एनिमल स्योर्स में तो सीधा हो गया मतलब दूध अंडे मांस फिश वगैरह, ठीक है, डायरेक्टली। और अगर अपन उसकी बात करें प्लांट सोर्स की, प्लांट सोर्स में क्या क्या दाल आ गई, प्लांट सोर्स में क्या क्या दाल आ गई, सोयाबीन आ गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, अमृत दाल अनाज, ठीक है, अमृत अनाज हो गया, चना हो गया, एक्सेट्रा, एग्जाम्पल काफी हजारों है ना, काफी एग्जाम्पल। और इसके जंतु वाले ये प्लांट सोर्स हो गए, ठीक है, प्लांट सोर्स। अगर एनिमल सोर्स की बात की जाए, एनिमल सोर्स में क्या, दूध, ठीक है, मांस,
अंडा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो इसका एग्जाम्पल है शहद, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो एनिमल सोर्स का एग्जाम्पल होगा इसका, ठीक है। अभी अपन देखते हैं फैट, ठीक है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत मतलब सॉरी वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, एनर्जी सोर्स। और ये ग्लिसरॉल के एस्टर्स का बना होता है, ठीक है, एस्टर्स, ग्लिसरॉल के एस्टर्स, ठीक है, ग्लिसरॉल के एस्टर्स का। और ये हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ये एनर्जी का केंद्र होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट के पीछे में काफी ज्यादा मात्रा में इसमें एनर्जी होती है, काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है, काफी अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। और ये हमारे फैट, जो हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली क्या होता है, ठोस रूप में होता है, सॉलिड फॉर्म में, फैट अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो जो चर्बी बोलते हैं ना, चर्बी ऐसे पेट वगैरह पे हो जाती है इकट्ठी, ठीक है, वो चर्बी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और लिक्विड में तेलिए वसा हो गया, अगर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में क्या हो गया, तेलिए वसा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन भी दे रखी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आपकी बॉडी स्किन के अंदर, स्किन के नीचे पाया जाता है, स्किन के नीचे, अगर आपकी बॉडी में अगर जनरल मात्रा, नॉर्मल मात्रा में अगर फैट अवेलेबल है तो आपकी बॉडी को स्मॉल बना सकता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में फैट अवेलेबल है तो आपकी बॉडी को बिलोर बना सकता है, जो ओबेसिटी, मोटापा का जो शिकार होता है, ठीक है, वो जो होता है वो इसी के कारण होता है, ठीक है। इसके सोर्स की बात की जाए कि हमें कहां से प्राप्त होती है, ठीक है, अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो दो सोर्स है इसके भी, प्लांट सोर्स हो गया, एक एनिमल सोर्स हो गया, ठीक है, जितना भी सोयाबीन ऑयल वगैरह जो भी होता है, ठीक है, जितना भी ऑयल वगैरह जो होता है, बीज वगैरह से प्राप्त होता है, वो जो ऑयल है वो सारा फैटी एसिड का, फैट का कर रही, ठीक है, सोयाबीन का हो गया, ठीक है, ये सारा। एनिमल्स में क्या है, दूध, मांस, मछली, अंडा, जानवर वगैरह अपन जो खाते हैं, मांस, मछली, अंडे, ठीक है, इस सारे से हमें क्या होता है, एनिमल सोर्स के थ्रू हमें दूध प्राप्त, फैट प्राप्त, अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट बहुत आसान टेस्ट होता है इसका। क्या करना है आपको, एक कागज लेना है, कागज एक साइड में, या दो कागज लेने हैं, एक कागज को आपको पानी से भिगाना है, थोड़ा सा दो तीन बूंद डालनी है, और एक पे क्या करना है आपको ऑयल डालना है थोड़ा सा, ठीक है, दोनों को आप देखो थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दो, तो क्या करोगे जो पानी वाला है वो नॉर्मल कागज की तरह हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा सिकुड़न हो सकती है स्ट्रेच की वजह से, ठीक है, लेकिन जो फैट जिस पर डाला हुआ है उसका क्या होगा, एक पैचेस बन जाएगा उसमें ऑयल के, ठीक है, अगर आप लाइट की प्रेजेंस में देखोगे तो लाइट एकदम मतलब प्रकीर्ण होती नजर आएगी इसमें, एकदम क्या बोलते हैं डिस्पर्स होनी होती नजर आएगी इसमें, ठीक है, ये हो गया फैट। इसके अलावा इसके कार्य देख लेते हैं, ठीक है, कार्य में क्या हुआ, ये एनर्जी का मतलब बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो ऊंट देखा होगा आपने, ऊंट में जो कूबड़ पाई जाती है ना, ऊंट में जो कूबड़ पाई जा रही है, ठीक है, ये जो कूबड़ है वो फैट का हुआ है, फैट स्टोर रहती है इसमें, तो इससे क्या है कि ऊंट कई दिनों तक बिना खाना खाए रह सकता है, ठीक है, वो इसी की वजह से होता है। और जो आजकल बच्चे जंक फूड वगैरह खाते हैं बहुत सारी मात्रा में क्या बोलते हैं फैट होता है जंक फूड में, ये जो फैट है वो रिस्पॉन्सिबल है ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए, बच्चों के मोटापे के लिए, ठीक है, ये इसके वर्क होंगे और काफी अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है। अगला देखते हैं इसके अलावा अपन, नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। ये ऐसे इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में आहार के रूप में आने ही चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी होते हैं, ठीक है। अभी तक 1500 हैं विटामिन खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इनके अगर कार्य की बात की जाए वर्क, तो क्या कार्य है? रेगुलर ग्रोथ ऑफ बॉडी। रेगुलर ग्रोथ के लिए ठीक, दूसरा इम्यूनिटी के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र जो है इनसे मजबूत होता है, डाइजेशन को सही रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए डाइजेशन, ठीक है, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, वो रेगुलर ग्रोथ में आ गए, ठीक है, ये सारे इसके वर्क है, ठीक है, रेगुलर ग्रोथ हो गई, इम्यूनिटी हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, और भी कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनके विटामिन का बहुत रोल होता है, ठीक है, ऐसा जरूरी वर्क होते हैं जैसे बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। 1500 है वो खोजे जा चुके हैं जिनमें से 6 इंपोर्टेंट है, अपन ने पहले ही इसके बारे में बात कर ली। वो 6 कौन कौन से हैं? 6 आपने जरूर नाम सुना होगा इसका कभी ना कभी, इनका ए बी सी डी ई एंड के, ये 6 ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, ये काफी सारी चीजें हैं जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये रेस्पॉन्सिबल है। अपन एक एक करके देख लेते हैं, तो अभी विटामिन्स के सोर्स देख लेते हैं। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन क्या, दूध, हरी सब्जी, ठीक है, गाजर, पालक, पपीता, ठीक है, ये सारे हो गए इसके। विटामिन ए के, विटामिन बी की बात की जाए, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, ठीक है, ये सारे जो हैं विटामिन बी के। विटामिन सी की बात की जाए, जितने भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी, संतरा हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ठीक है, ये सारे और भी एक्सेट्रा, जितने मौसमी मौसमी हैं जो भी एक्सेट्रा, जितने भी आंवला वगैरह, वो जो है उन्हें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं विटामिन डी, ये क्या, दूध, इसका अंडा, मक्खन, ठीक है, शहद हो गया, ठीक है, ये सारे विटामिन डी, और ये सन के एनर्जी, सन रेज, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई, दूध, हरी सब्जी, मक्खन एंड आटे का चोकर, ठीक है। विटामिन ए बी सी डी ई के, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, हरी सब्जी, सोयाबीन हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, ये सारे जो है विटामिन के शे हो सकते, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है, मिनरल्स के 24 हैं, 24,
इनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज्यादा इसने इन द सेंस क्या हुआ, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, ठीक है, और कौन सा है, ठीक है, यही सारे, और भी है कुछ, ये सारे क्या अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बाहर से लिए जाते हैं, अंदर से नहीं बनते हैं, लेकिन हमारे फूड के साथ इनका होना बहुत जरूरी है, ये हमारी मेंटल फिजिकल जितनी भी ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, बुद्धि का विकास वगैरह जो होता है, ठीक है, जितने भी तरह के जो ग्रोथ है हमारी बॉडी में वो इसी की वजह से होते हैं, अगर हमारे इनमें से किसी की भी 24 में से अगर किसी की भी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे उस पर्टिकुलर बीमारी से। कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डी कमजोर, कैल्शियम की कमी, हड्डी कमजोर, ठीक है, आयोडीन की कमी हो गई, गहंगा हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से कि अगर क्या बोलते हैं, अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं तो हम ऑटोमेटिकली कमजोर होने लग जाएंगे, टूटी मरम्मत नहीं होगी और हम और ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। सोडियम, ठीक है, ये चैनल वगैरह में सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये हमारे न्यूरॉन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम एंड सोडियम, सॉरी हाँ पोटेशियम एंड सोडियम, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम और पोटेशियम चैनल होता है, ठीक है, इस तरीके से काफी सारे होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी सारे हमें फ्रूट्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, दूध, मांस, मछली, अंडा, है ना, काफी सारी ऐसी खाने की चीजें हैं जिनसे हमें इनकी पूर्ति होती रहती है, और हमें सारी चीजें, मतलब हमें सीजनल फ्रूट्स तो हमेशा खाने ही चाहिए, ठीक है, और बाकी जो है हमें किसी चीज की कमी हो, जैसे अगर आयरन की कमी हो गई, ठीक है, आयरन की कमी के लिए क्या है, पालक वगैरह खाओ, बैंगन खाओ, टैबलेट आती है वो खाना ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाए, आगे देखते हैं, ठीक है, और विटामिन का अगर कार्य की डिपेंडेशन बांटा जाए तो शरीर निर्माण, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, पहला, दूसरा तो काफी सारे जैविक बनाता है, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट, ठीक है, और काफी सारी रिएक्शंस में कैटलिस्ट का भी काम करता है, ठीक है, और बॉडी कंट्रोल, ठीक है, ये इसके कार्य रिजल्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है इनका हमारे को, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया वाटर, ठीक है, वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 70% तक जो है बॉडी में वाटर ही वाटर होता है, ठीक है, पर डे हमें कम से कम 2 से 3 लीटर वाटर पीना चाहिए, ठीक है, वाटर, वाटर काफी, देखो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है वाटर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ब्लैक का काम करता है, ठीक है, ब्लैक का काम करता है बॉडी में काफी सारी रिएक्शंस के लिए ये, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का काम करेगा ये, ठीक है, एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है, वाटर के द्वारा ही जो बॉडी वेस्ट होता है, बॉडी वेस्ट को वाटर के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, काफी सारे डिजीज से हमें बचाता है, डिजीज से बचाता है, ठीक है, क्या हुआ, तो कभी मैं करता हूँ 2 मिनट, ठीक है, डिजीज से, अगर लीवर की बात की जाए, जैसे लीवर में 69% तक जो है वाटर होता है, लेकिन अगर यही मसल की बात की जाए तो मसल में जो है 75% तक वाटर पाया जाता है, ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खाद रेसिंग, फूड रेफेस, ठीक है, फूड रेफेस खाद्रे से ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट
कोई चीज प्रोवाइड नहीं करते, ना कोई मिनरल प्रोवाइड करते हैं, ना ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, ना कि कार्बोहाइड्रेट की तरह वर्क करते हैं, किसी की तरह कोई वर्क नहीं करते ये, ठीक है, फिर भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, ना कोई विटामिन प्रोवाइड करते हैं हमें, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, उसके बावजूद इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये पाचन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, ये हमें मिलते कहाँ से, जितने भी रेसेदार होते हैं, रेसेदार के सेंस जो सेल्यूलोज प्लांट्स और जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और जो होते हैं, प्लांट सियोर्स जितने भी हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है, जो सेलुलोज ये होता है वो ही ये रेसे हैं, ये रेसे क्या है अपने पाचन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, पाचन जो है बहुत अच्छे से करवाते हैं, क्या हुआ वाटर का एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, खाना जो आंतों में चिपकता है वो नहीं चिपके गए वैसे, ठीक है, आंतों में ना चिपकना, ठीक है, खाना जो है वो आंतों में चिपक रहा था वो इनकी वजह से नहीं चिपकेगा, ठीक है, तो अपन क्या होता है जो भी सेब वगैरह हुआ या जो भी कोई फ्रूट हुआ हमें छिलके के साथ खाने चाहिए, सेब वगैरह हो गया, ठीक है, और अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, ये सारे हमें छिलके के साथ खाने चाहिए, इनमें क्या होता है कि इनकी जो लेयर होती है उनमें काफी ज्यादा जो है वो सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, वो जो सेलुलोज की मात्रा है वो हमें पाचन शक्ति में हेल्प करती है हमारे, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये करते हैं विषैले पदार्थ जो है उनको बाहर पास आउट करने में, ठीक है, विषैले पदार्थ को, और इसके अलावा क्या होता है ये ग्लूकोज को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेंगे, शुगर को कंट्रोल रखेंगे जिससे डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज का इश्यू नहीं होगा, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके शुगर को कंट्रोल करेंगे जिससे कि अपन डायबिटीज का कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक, ये अपन नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपन लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी कमी से होने वाली डिजीज, ठीक है, तो डिजीज में पहला कार्बोहाइड्रेट की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से कार्य क्षमता में कमी कमजोरी होगी, ठीक है, कार्य क्षमता में कमी, कार्य क्षमता में कमी, ठीक है, दूसरा प्रोटीन की से कमी से क्या होगा, क्वासी और मेरास्मस, ठीक है, क्वासी और मेरास्मस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बॉडी दुर्बल, दुर्बल मतलब वीक, एंड ये तो चेहरा पतला हो जाएगा, सीड हो जाएगा, ठीक है, बॉडी शीड हो जाएगी, ठीक है, ये सब बसा की कमी से, कमजोरी कमजोरी हो जाएगी, इससे क्या होगा हमारी बॉडी जो है कमजोर हो जाएगी बॉडी, ठीक है, ये अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, विटामिन, विटामिन में ए बी सी डी ई और की, इनकी वजह से क्या है, ए की वजह से क्या होगा रतौंधी, बी की वजह से वेरी वेरी, ठीक है, सी की वजह से क्या होगा स्कर्वी, डी की वजह से रिकेट्स, ये नपुंसकता, विटामिन के की वजह से क्या रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है, रक्त का थक्का ना जमना, रतौंधी इसमें क्या आप कमजोर, ठीक है, बेरी बेरी कमजोरी, इसका भी मसूड़े की समस्या, हड्डियां कमजोर, ठीक है,
मुलाजम में, ठीक है, ये सारी स्कीम हो गई, ठीक है। मैं भाई हो गई। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, बस 2 सेकंड रुकिए, ठीक है। उसके अलावा मिनरल्स का, मिनरल्स में क्या है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर, बोन भी, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है, हीमोग्लोबिन, और ठीक है, सोडियम पोटेशियम की कमी से सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, न्यूरल सिस्टम अपना अस्त व्यस्त हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम की कमी से, ठीक है। ये सारे इसके हो गए। चलिए, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।